أكبر سبحان ربي الأعلى. क्या एक महिला एक मौलवी हो सकती है क्या? जी जी. क्या वो मस्जिद में नमाज पढ़ा सकती हैं? हाँ, ये है कि मौलवी जो है, औरत जो है मौलवी बनेगी तो वो जो है वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा सकती. वो क्यों नहीं पढ़ा सकती हैं? उसकी वजह ये है कि औरत को हमारे परवरदगार ने, ईश्वर ने जो है वो अलग अंदाज से बनाया है और मर्द को अलग अंदाज से बनाया है. तो औरत के कुछ महीने में कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं कि जिनके अंदर वो ख़ास तौर से पवित्र जगह पर नहीं जा सकती हो. दूसरी बात यह है कि वो मर्दों के लिए नमाज नहीं पढ़ा सकती, ना ही औरतों के लिए. वो तो खुद अपनी नमाज पढ़ सकती है, यानी अपनी पूजा खुद कर सकती है. रही सवाल ये कि पूजा क्यों नहीं करवा सकती, हाँ वो खुद पूजा नहीं करवा सकती, अलबत्ता पूजा करवाना सिखा सकती है वो. भारत को आज़ादी हुए 66 साल हो गए, फिर भी महिला में पुरुष में काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है. वैसे तो सभी चीज़ में भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि धर्म में लेकर भी भेदभाव देखने को मिलता है. एक धर्म को लेकर भी इस तरह का भेदभाव देखने को मिला कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कह सकते हैं हम. आपने भी बताया था कि महिलाएं मस्जिद में नहीं पढ़ा सकती. जब एक पुरुष को इतना अच्छा स्थान दिया गया है, तो क्या एक महिला को इतना अच्छा स्थान देने में क्या परेशानी है? तो मतलब ऐसा नहीं है, हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले औरत की जो हालत थी वो आज से बदतर थी. अगर औरत को कहीं मकाम तक, किसी दर्जे तक अगर पहुँचाया है तो हमारे नबी की तालीम ने, हमारे नबी की शरीयत ने पहुँचाया है. औरत का स्थान जो है और औरत की जो बढ़ाई जो है वो पर्दे के अंदर रहकर है, अपने घर के अंदर चैन सुकून के साथ में रहकर है, ना कि बाहर फिरने के एतबार से. अभी आप मौलवी हो, तो अभी आप, आपके क्या विचार हैं कि मैं मस्जिद में जाऊं, सब लोगों को नमाज अदा कराऊं, क्या है आपके विचार इस चीज़ को लेकर? नहीं, अगर पढ़ना है तो घर पर पढ़ा सकते हैं, मस्जिद में तो नहीं जा सकते. अब पहले जाते थे, लेकिन अब तो नहीं है ऐसा कि मस्जिद में जाएं. मस्जिद में तो सिर्फ मर्द ही पढ़ा सकते हैं. यदि आप जाती हो तो क्या परेशानी आएगी आपको? परेशानी तो कुछ भी नहीं आएगी, जा सकते हैं. लेकिन फिर हम तो जा सकते हैं, फिर जाने वाली औरतों को काम भी तो होता है, फिर औरतों नहीं आएंगी. इसलिए मर्द तो अपने वक्त पर पहुंच जाते हैं, औरतों को कहीं कुछ काम में भी अटक जाती हैं औरतें, तो इसलिए औरतें नहीं जा सकती. अभी कितने बच्चियां आपने शिक्षित किए हैं? अभी तो 65 बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन उनमें से कम 20 बच्चियां आगे बढ़ चुकी हैं, और अभी थोड़ी पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे. ये सारी बच्चियां क्या बनेंगी आगे जाकर? इंशाल्लाह आलिमा बनेंगी, मौलवी. ये भेदभाव महिला के साथ में ही क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि जो महिला के साथ में ये भेदभाव हो रहा है, जो महिलाओं को ये पाबंदी लगाई हुई है, वो सब गलत है. उन पर, उनको पाबंदियों को हटाया जाए. सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए.